हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? सुन पा रहे हैं आप? नमस्कार बेटा, स्वागत है आप सभी का। करना चाहते थे चलें स्टार्ट करें। आई थिंक आप वॉइस क्लियर है आप सभी को, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आप इस क्लास को जो है बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। आपके लिए ये ऑप्शन ये भी रहता है, अब आप इस क्लास को जो है यूट्यूब पे भी देख पाओगे। तो आप सभी का जो है स्वागत है आज ही इस क्लास में। आप सभी का और विद्यार्थियों का वेलकम गाइस। हेलो, नमस्कार। चलें स्टार्ट करें। तो जो आज ये हमारा एमपीजीके के लिए जो है यूनिट बाई यूनिट टेस्ट रहेगा अब आप सभी के लिए, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप इस चैनल की यहाँ पे क्लिक करके मेरे प्लस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के लिए मेरी बुक्स जो है मार्केट में उपलब्ध हैं। आप जो ये बुक्स को जो है नज़दीकी बुक स्टोर से, जो मेरी नई आने वाली पुस्तक आपके लिए ये दोनों हैं, और ये दोनों ही पुस्तक जो है आपके लिए उपलब्ध रहेंगी मार्केट में। रेफरल कोड जो है रूपलाइव रहेगा, और यहाँ पर जो है इसको अप्लाई करके आप अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 19 जनवरी से जो है आप सभी के लिए न्यू बैच शुरू हो चुका है। 2 फरवरी से जो है आपके लिए नया बैच लाइव होने वाला है। तो चलिए, ये टेस्ट सीरीज है, जैसे इसमें 30 और 31 को 2 पेपर लूंगा सेम टॉपिक के, क्योंकि इसमें दो आज मैं सिर्फ आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत का पूछूंगा। इसी का दूसरा पेपर जो है आपके लिए कल रहेगा, सेम पेपर जो है मैं आपका कल लूंगा इसी में सेम, ठीक है, सेम टॉपिक से। तो ये यहां पर मैं 1 जनवरी रहेगा, ये यहां 2 तारीख और यहां 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख आपको इस प्रकार से रहेंगे। चलिए गाइस, नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा नागपुर को कब अधीन किया गया? अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मराठा शासक थे अप्पा भोसले। अप्पा भोसले ने जो है अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस युद्ध के दरमियान जो है उनकी हार हुई थी, तो फिर वो जो है यहां से भागे हैं और छिंदवाड़ा के पातालकोट में जो है उनने शरण ली थी। पातालकोट जो है छिंदवाड़ा में पड़ता है, तामिया तहसील में, यहां आकर वो छिपे थे। तो इसके बाद 11 दिसंबर 1853 से ये पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अब आज ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था?
क्या रहोगे, 2 नवंबर 1867 को जो है सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। इसके अलावा 1861 में ही जो है रायपुर, बिलासपुर, और संबलपुर का गठन हुआ था। फिर 1936 में बरार प्रांत को बनाया गया था। सेंट्रल प्रोविंस में जो है 5 डिवीजन थे, 5 संभाग इसमें आते थे और 22 जिले जो है इसमें आते थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है यहाँ के फर्स्ट सीएम थे। 24 अक्टूबर 1936 को किस क्षेत्र का गठन किया गया था, चलिए ये क्या रहोगे, बरार का गठन इस समय किया गया था। बरार जो है बनके तैयार हुआ था सेंट्रल प्रोविंस जो है 1861 में 2 नवंबर के दिन जो है तैयार हुआ था। वेंद्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 18 मई 1948 को जो है, 28 मई 1948 को जो है वेंद्र प्रदेश हमारा बना गया था। मालवा यूनियन को जो है हम किस नाम से जानते थे, बेटा 28 नहीं, इसको 12 मार्च करना, 28 नहीं 12 मार्च 1948 को गठन हुआ था इसका। नमस्कार बेटा नमस्कार। तो ये क्या रहोगे, कहाँ पे हुआ था, मध्य भारत पठार में। मध्य भारत पठार को जो, और मालवा रीजन को जो क्षेत्र के सम्मिलित रूप को जो है क्या बोलते थे, इसे मालवा यूनियन के नाम से जानते थे। और इसका गठन जो है 28 मई 1948 को हमने इसका गठन किया था। यहाँ के राज्य प्रमुख कौन थे, जीवाजी राव जो है यहाँ के राज्य प्रमुख रहे। कौन हो गए, जीवाजी राव। उप प्रमुख कौन थे, यशवंत राव होलकर, ये इसके उप प्रमुख थे। चलिए सेंट्रल प्रोविंस में एकमात्र रियासत कौन सी इसमें, उस समय जो है रियासत इसमें आती थी, सेंट्रल प्रोविंस में जो है उस समय कौन सी एक रियासत जो इसमें सम्मिलित थी। नमस्कार बेटा, स्वागत है आज की क्लास में। तो इसमें जो है मकड़ाई रियासत थी। मकड़ाई रियासत को जो है 1956 में जब विदर्भ का भाग महाराष्ट्र को दिया गया था, तो 8 जिले जो विदर्भ के थे ये महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। मकड़ाई रियासत को उस समय होशंगाबाद जिले में जोड़ा गया था। मकड़ाई रियासत वर्तमान में हरदा डिस्ट्रिक्ट में आती है। भाग का यानी कि स्टेट ए कितने डिवीजन थे, बेटा पोल आ तो रहा है, बेटा थोड़ा आज प्रॉब्लम भी आई थी पोल के चक्कर में।
आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा समय दिया करें। पांच डिवीजन में हमने इसे बांधा था, कितने डिवीजन में? पांच डिवीजन, पांच डिवीजन। संभाग कितने थे इसके पास? पांच थे, जिले 22 थे। चलिए, विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, मतलब किस तारीख को जो है विंध्य प्रदेश बना था? विंध्य प्रदेश का गठन टू टाइम थ्री टाइम्स किया था अपन ने, कि टू 12 मार्च 1948 किए थे, 12 मार्च 1948 को अभी पढ़ाया था ना मैंने, इसमें जो है कौन रहे थे यहाँ, 12 मार्च 1948 को किए थे ना अपन ने गठन। फिर अपन ने 1 जनवरी 1950 को इसका फिर रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, और 2 अप्रैल 1952 को इलेक्शन हुए थे, यही पढ़ाया था ना। फिर जो है सेंटर एंड प्रोविंस में कौन सी एक रियासत सम्मिलित नहीं थी, सेंटर प्रोविंस में जो है कौन सी एक रियासत नहीं आती थी? अच्छा पोल नहीं आ रहे बेटा, मैं क्या करूं बेटा, नहीं रिफ्रेश नहीं कर सकता बेटा मैं। सही सवाल है तो तूने शेयर नहीं किया आज जो है, सही सवाल। आज जबलपुर के लोग नहीं आए हैं टेस्ट देने, जो है जबलपुर से बच्चे नहीं आ रहे। खिचलीपुर रियासत जो थी ये मालवा रीजन में आती थी, मालवा के अंतर्गत, जो कि स्टेट बी का भाग था ना कि ये। खिचलीपुर जो है वर्तमान में राजगढ़ जिले में आती है। चलिए 1949 में जो है भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना था, उस समय वहां के शासक कौन थे? सुबह क्लास आपकी एमपी जीके की 8 बजे रहेगी, लेकिन 7:30 पे मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, ठीक है? कितने बजे? 8:30 पे करंट अफेयर की क्लास आपकी रहेगी, इसलिए मैंने आपका टाइमिंग 8 बजे किया है, और इन्वायरमेंट की क्लास 10:30 पर रहेगी। यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा आपको हमीदुल्ला खान, कौन रहोगे? हमीदुल्ला खान जो थे, इसकी इनने जो है विलय जो है 1 जून 1949 को इनने भारसंघ में विलय भी इनने किया था। कौन सी एक रियासत जो है विंध्य प्रदेश की एक रियासत नहीं है? पूल चला जा, फिर होगी विजावर। विजावर जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आती थी ये रियासत, और बुंदेलखंड का पार्ट जो है विंध्य प्रदेश में सम्मिलित था। ये जो है छतरपुर जिले में आती है, और ये जो है हीरे की सीरीज के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो ये जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो भाई जल्दी से जो है इस क्लास की एक बार अगर आप लिंक शेयर कर सकते हैं तो एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, और जल्दी आ जाइए क्लास में, टेस्ट देने आ जाइए। कितना एमपी जीके आता है आज आपको पता लगेगा इस क्लास से। विंध्य में बेटा 38 रियासत पढ़ाए थे नोबिता, तुम कहाँ थे जो है? अभी मैंने 30 पढ़ाया था, अभी क्लास थी 5 बजे। अगर आप नहीं देख पाए हो तो रिकॉर्ड क्लास भी उपलब्ध रहेगी, आप रिकॉर्ड क्लास भी उसको देख सकते हैं,
ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड ने भूल गए हो तो आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। चलिए, इसमें जो है सिंहदेव की समिति ने 6 जिले की सिफारिश की थी, जबकि बीपी दुबे की जो समिति थी उसने हमें 10 जिले की सिफारिश की थी। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस नगर को बसाया गया था? ये साजापुर था, इसका प्राचीन नाम जो है शाहजहांपुर के नाम से जानते थे। साजापुर में जो है हिरण का कंजर्वेशन पार्क की स्थापना की गई है साजापुर में। सर जी कॉल करना था, किरण बेटा आप कॉल कल कर लो मुझे, जैसे एमपीजी की क्लास खत्म होगी 8 बजे वाली, उसके बाद कर लेना, मतलब 9:30 से 10:30 के बीच में, ठीक है। अब उस समय फ्री हो रहूँगा कि बेटा अभी तो बैक टू बैक क्लासेस हैं आपके लिए, तो अभी तो नहीं हो पाएगा का बातचीत आपसे, लेकिन इस क्लास के बाद जो है आपसे बातचीत हो जाएगी। ये 1956 मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो एमपी राज्य का गठन जो है 1956 को हुआ था। कितने जिले थे इसमें? तो 43 जिले, संभाग कितने थे? 8। एरिया बताओ कितना था एरिया? 44, 34, 46। एरिया कितना था? 44, 34, 46। एरिया में पहला स्थान 1956 में कौन सा डिवीजन बनाया था हमने? तो बिलासपुर डिवीजन जो है हम बनाए थे। किस जिले को 1998 में इसमें से कौन सा जिला जो है बनाया गया था? ये उपरोक्त सभी डिंडोरी, हरदा, बड़वानी, इनके अलावा शेरपुर जिला भी बना था उस समय, और जो है नीमच जिला भी बनाया गया था उस समय। इसके अलावा जो है अपना डिंडोरी भी, डिंडोरी तो ऑप्शन में दिया है, इसके अलावा आपसे कटनी का, कटनी से जो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी उस समय, ठीक है। तो 7 जिले हमारे उस समय बने थे। मध्य प्रदेश को इसमें से किस एक नाम से जानते हैं? पोल फिर लग गया क्या बेटा? ये जो है, एक सेकंड रुक जा। हाँ, शहडोल से उमरिया और कटनी से दमोह, तो 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे। चलिए, उपरोक्त सभी उच्च भूमि प्रदेश लैंडलॉक स्टेट, तो देश में कितने लैंडलॉक स्टेट हैं? तो देश में 5 लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा, एमपी, सीजी और जो है अपना झारखंड राज्य और तेलंगाना राज्य। मध्य प्रदेश में 18 जिले जो हैं अंतर्वर्ती या लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम जो है
किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? टाइगर स्टेट देने वाले कौन थे? ले गया क्वेश्चन। बढ़िया, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, ये कर दिया। ये बेटा कमलनाथ के द्वारा दिया गया था इस स्टेट को, जब वो कैबिनेट मंत्री थे, कपड़ा मंत्रालय उनके पास था, कपड़ा मिनिस्टर रह चुके हैं ये। राज्य का पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में जो है किस आधार पर राज्य की जो है प्रशासन की व्यवस्था है, ये धार्मिक सब लिखा है, इसमें से कौन सा आधार मेन आधार लिया था? बेटा राहुल सुबह पढ़ाऊंगा 7:30 पे, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, गुरु ज्ञान क्लासेस चैनल पे रेगुलर 7:30 बजे, ठीक है। क्या रहोगे? प्रशासनिक आधार पे जो है राज्य गठन के पुनर्व्यवस्था की थी। इसके अलावा दूसरा आधार उन्हें जो है भाषा और लिपि चुना था। तीसरा आधार जो है संसाधन उन्हें चुने थे। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति थी? बेटे जैसे चल रहा है पोल चलने दो, या मैं इससे पहले गई क्लास में, ये श्री कृष्ण समिति कुछ नहीं थी। सिंहदेव ने जो है 6 जिले दी थी, बीआर दुबे ने जो है 10 जिले की अनुशंसा की थी। पुनर्गठन आयोग 1953 में जो है कौन एक सदस्य नहीं था? संजय सिंह नहीं थे जो है, फजल अली जो थे ये अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे। ये आयोग 29 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को बना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है कब दी थी? तो इस आयोग ने 29 से 30 दिसंबर जो है इस रिपोर्ट को सौंपा था 1955 में। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का गठन हुआ। कौन सी पहाड़ी पर जो है दक्षिण भारत उत्तर भारत का जो है मध्य बिंदु है? जो है, अरे बेटा सी कहां से हो जाएगा प्रिया, दो दो पहाड़ी थोड़ी होंगे विभाजित करने। विंध्याचल पर्वत जो है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में डिवीजन करता है। और अगर आपसे नदी पूछे तो नदी रहेंगे आपकी नर्मदा, ठीक है। मध्य प्रदेश को इसमें से एक किस नाम से नहीं जानते हैं वो बताइए, इसमें से एक नाम एमपी का कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। हाँ, तुक्के तो लगाया मत करो यार मेरी क्लास में, तुक्के वाले विद्यार्थी मत आया करो जो है क्लास में, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछता।
कोहिनूर प्रदेश, हीरा प्रदेश, मध्यवाहत प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश, क्या बोलोगे, मध्य उच्च प्रदेश, रेवोत्तर, दक्षिणोत्तर, जनजाति प्रदेश, इथोपिया प्रदेश, लघु प्रदेश, लघु प्रदेश, हृदय प्रदेश। बेटा पोल स्लो जा रहा है थोड़ा, आज पता नहीं टेक्निकली इशू है, ठीक है। ले कोई इनू नहीं सुना तुमने, चलिए तो क्या हो गया, लाला राम वाजपेयी जो है ये थे पहले गृह मंत्री यहां से, ठीक है। शिवानंद तिवारी जो थे सतना से, ये स्पीकर पद पर रहे थे। रामकिशोर शुक्ला जो थे ये नेता प्रतिपक्ष थे, और शंभुनाथ थे ये सीएम थे। कर्क रेखा से कौन से नहीं गुजरती, मतलब किस जिले से जो है कर्क रेखा हमारी नहीं गुजरती है, कौन? झटका लगा क्यों, झटका लगा पेपर से? बेटा नितिन, बेटा मेरे पे बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है मैनेजमेंट की, ठीक है। और जो है मेरे जितने भी संपर्क में हैं वो तो बेटा उसके पे क्वेश्चन तो उठपटंग आते हैं, ठीक है। जो है उसके हमेशा ही एमपीपीएससी में लास्ट ईयर वाले फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जी बेटा कैलाश जी, एमपीपीएससी में लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। कोई ना भी रेस्ट करो, ये जो है बुला लो करंट अफेयर, इसमें ये नरसिंहपुर है। याद रखना मैंने आप सभी के लिए जो है नई क्वेश्चन सीरीज डेवलप कर रहा हूं। रहुआ राशि भवरा सा जमदम कटनी उमरा सा, इतना लगाना था। रहुआ राशि भवरा सा जमदम कटनी उमरा सा, यही तो करना था तुम्हें। काम कंप्यूटर एमसीक्यू लगा लो, इंटरनेट से दूर के आंसर एक डॉक्यूमेंट बना लो, अच्छे से बनाना। पचास परसेंट टॉपिक चल रहा है, एक टॉपिक याद करके नहीं आ पाए हो तुम लोग। कितना परसेंट चल रहा है आपका? 50% जो है लोग आंसर दे पा रहे हैं। क्या है विद्यार्थियों? आयतकार था, रेक्टेंगल शेप है। मध्य प्रदेश की किस प्रकार की जलवायु है? पोल बेकार चल रहा है भैया, क्या बात कर रहे हो? या बच्चे बहुत आ रहे जा रहे हैं यार, 100 से सीधे 57 बच्चे। पता नहीं बेटा पेपर की हवाएं लग रही उन्हें। हाँ आज से फर्स्ट से स्टार्ट की है, 1 2 3 4 5 से, ये जो है 1 2 3 4 से स्टार्ट की है बिल्कुल फर्स्ट से। कल इसका टाइम टेबल दे दूंगा। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, कैसी जलवायु पाई जाती है हमारे यहाँ? मानसूनी जलवायु। एरिया के आधार पर जिले बताओ सबसे बड़ा से लेके सबसे छोटे की ओर।
पोल नहीं आया बेटा। बेटा मैं दिया तो हूं, पोल लेट जा रहा है जो है। आप पे पोल तो दिया हूं लेकिन लेट जा रहा है बस। बेटा अनअकैडमी का सर्वर स्लो चल रहा है, पोल तो आएगा पर स्लो चल रहा है। छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी और बैतूल, सबसे बड़ा सबसे छोटे में निवाड़ी, दतिया जो है, आगर मालवा, भोपाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिवीजन बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिवीजन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देना है बेटा आपको। अरे यार पोल आया दीपक, नितिन फिर वही प्रॉब्लम करने लगा यार। फिर हो गया भाई यार। कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा उसमें। बेटा पोल तो मैं तो दे रहा हूं, जा ही नहीं रहा बेटा जो है, पोल जो है चल ही रहा है, उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा बेटा। अरे विद्यार्थियों मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम आ रही है बेटा जो है, पोल का ऑप्शन अब आया है बेटा जो, कब से लगा रहा हूं लेकिन पोल दब ही नहीं रहा है। ए यार जो है अनअकैडमी का कोई रिस्पॉन्स बेकार है, फिर इस क्लास में भी दिक्कत हो रही है। ये आज जा यार, एक भी का पोल नहीं जा रहा। क्या करूं, बंद करूं क्लास को, पूरे टेस्ट की ऐसी तैसी कर दी। बेटा इसका आंसर जो है चंबल था। मेरे पोल, मेरी आवाज आ रही है क्या, सुन पा रहे हो मुझे फिर से?
शेड्यूल सबसे छोटा शेड्यूल है, शेड्यूल इसमें दिया नहीं गया, शेड्यूल के बाद जो है एरिया में चंबल आता है और जनसंख्या में नर्मदापुरम आता है। कौन से एक डिवीजन से कर रेखा गुजरती है? स्क्रीनशॉट भेज उसको पहले। बहुत दिमाग खौफ कर कर दिया, कुछ जाएगी ना उस साइड ही नहीं जा रहा है या मैं क्या करूं। टाइम दिस वी हैव ऑलरेडी इनफॉर्म दिस टू टेक्निकल टीम। सुन पा रहे हो बेटा क्या मुझे? अब बेटा परेशान हो गया हूं यार बेटा, जो है अम्मी तो अद्भुत जोर से सर दर्द कर रहा है मेरा। तो इसका आंसर भोपाल था। एक और मैं देख लू पुल आया कि नहीं, वरना मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन हो रहा हूं, मैं क्लास बंद करता हूं। ठीक है, अगर मेरी वॉइस सुन पा रहे हो अगर आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो तो मैं जो है 5 मिनट में यूट्यूब पे लाइव हो रहा हूं, जो है आप सभी जो है सुन पा रहे हैं। तो ठीक है, मैं क्लास ऑफ कर देता हूं। तो लाइट वाइट का डर रहेगा, आपको वो भी करनी पड़ेगी।